हेलो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आप सबका अपना परिवार मस्त क्लासेस में आप सब करते हैं दिल से स्वागत है। पीछे की वीडियोस में मैंने एक से लेके नौ तक न्यूमेरिकल, ये फिजिक्स है भौतिकी भारती भवन का लेसन टू प्रकाश के अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल नंबर 10 लेकर हाजिर हूँ। अगर आपने नौ न्यूमेरिकल का अभी तक सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप पीछे की वीडियोज में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको दसवें क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। देखिए, दस क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ना 10 cm है, इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 cm की दूरी पर 5 cm ऊंची एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब का आकार और स्थान बताएं। यह भी बताएं कि प्रकृति प्रतिबिंब जो है ना सीधा होगा या उल्टा। तो जो डाटा है उसको लिख लेते हैं, एक 10 cm, यू 25 cm, वस्तु की ऊंचाई 5 भी, प्रतिबिंब निकालना है। तो लेंस सूत्र से 1/b - 1/u = 1/a, 1/b, यू अभी 25 भरा है, -25 वन में माइनस माइनस प्लस हुआ लेकिन इधर गया तो फिर माइनस हो गया। 10 और 25 का एलसीएम 50, 10 × 50 = 50, 25 × 2 = 50, 5 में से 2 गया 3, 3/50 भी पलट गया, इधर भी होगा खाली है ना, तो 50/3 भी का मान आ गया 50/3। अब आपने सूत्र पढ़ाया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर भी वही, इसको लिख लिया तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 का 10, वस्तु की ऊंचाई दिया है 5 लिख लिया, और भी अभी ऊपर में रखना था 50/3 है, और 25 × 25 = 50 कट गया 2/3 हुआ, और यहाँ वाला 5 गुना हो गया 10/3, जिसका डिवाइड करेंगे तो 3.33 cm आएगा, ये आपका आंसर हुआ। ओके, आइए 11 क्वेश्चन। 11 न्यूमेरिकल कहता है कि 20 cm फोकस दूरी के अपसारी लेंस से 30 cm की दूरी पर 4 cm ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है, प्रतिबिंब का स्थान तथा आकार निकालना है। तो 20 cm फोकस है और लेंस कौन सा है, अपसारी यानी कि अवतल, तो एफ जो है इसमें माइनस होगा, एफ हो गया -20 और यू 30 जो कि नेगेटिव ही होता है, वस्तु की ऊंचाई 4 भी निकालना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। तो लेंस सूत्र से 1/b - 1/u = 1/f, तो -30 हुआ माइनस, और यहाँ पे एक लाइन कम बना दिए हैं, -1/20 प्लस माइनस -1/30, तो लघुत्तम जो होगा 60 होगा, 20 + 60 तो -3 और यहाँ -2, 3 2 मिल के -5/60, 5 × 12 में यानी भी जो होगा 12 cm। ओके, अब 1/v प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई आपने पढ़ा है, भी वही प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच यू जो है 4 दिया है, 12 अभी लाए हैं, 30 कटा उठा के इसका सोल्यूशन कर लेंगे, एच बराबर 12/30 × 4 15 बार में और 2 बार में, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 12, 8/3 जिसका आएगा 0.5 × 5 = 1.6, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ओके, अब देखिए 12 क्वेश्चन कहता है कि एक दो पतल लेंस की क्षमता जो है, एक का 3.5 है और एक का -2.5 डायोप्टर, एक दूसरे से संपर्क में इस लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी ज्ञात करें। तो P1 जो है 3.5 और P2 इतना, एक नया क्षमता तो P1 + P2, 3.5 और ये माइनस घट के आगे डे, एफ निकालना है तो P = 1/f आके गुना हो गया, तो ये बराबर 1/p, तो 1/1 हो गया, समझ में आ गया। 13 देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 cm है, उसकी क्षमता निकालिए, फोकस दूरी 50 है, जब भी क्षमता निकालना है तो इसे मीटर में बदल लेना है, तो 100 से भाग कर दिए तो 1/2 हो गया मीटर, क्षमता निकालना है जिसका सूत्र होता है P = 1/f, तो 1/1/2 तक 2 डायोप्टर हो गया ना, इस तरह से बनाना है। चलिए आगे देखिए 14, एक लेंस की क्षमता दिया है 5 डायोप्टर, लेंस की फोकस दूरी क्या है और लेंस का प्रकार क्या है, क्षमता दिया है, एफ निकालिए, एफ से क्लियर हो जाए तो पी बराबर आपने पढ़ा है 1/f, तो क्षमता के जगह पे 5 भर दिया 1/f, इधर आगे गुना किया 5 = 1, तो एफ बराबर 1/5, ये जो है मीटर में आया, और मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुना करते हैं, 5 × 20 बार में कटा लिया तो 20 cm, और ये प्लस में आया तो लेंस जो होगा ना आपका, लेंस आपको दिखा देते हैं बढ़िया से, लेंस जो होगा उत्तल लेंस है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 5 क्वेश्चन का सलूशन किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अन्यथा आपकी मर्जी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो डालो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेसन 2 आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया, आप इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड्स और मित्र में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त फ्रेंड्स भी ऐसे वीडियो को देखकर अपने तैयारियों को मुकम्मल कर सकें। मस्त क्लासेज का हमेशा यही लक्ष्य रहा है, आपकी सफलता। आपकी सफलता के लिए मस्त क्लासेज तत्पर है। योर सक्सेस इज आवर एम, इसके लिए कठिन से कठिन परिश्रम करता है, तहे दिल से मेहनत करता है, और आपसे भी मेहनत करवा के आपको टॉपरों की लिस्ट में शामिल कराने की क्षमता रखता है। बस आप सब सपोर्ट कीजिए, एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त फ्रेंड्स और मित्र में इस चैनल से जुड़िए। बस यही मस्त क्लासेज के लिए काफ़ी है। यहाँ पे ना कोई आपका शुल्क लगेगा, ना कोई फीस लगता है, बस आपका प्यार मोहब्बत मस्त क्लासेज के लिए काफ़ी है। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा आपका सपोर्ट मिला कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और भी थोड़ा सा जान लगा दें और चैनल को आप बड़ा बनाने में मदद करें, इसके लिए मस्त क्लासेस सदा आपका आभारी रहेगा। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर फुल टाइम। फिर मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार, शानदार, धमाकेदार और आपके लिए यूज़फुल वीडियो के साथ। अगर आपको हमारे चैनल्स पर किसी तरह की खामी नज़र आती है तो आपका एडवाइस भी हम लेने के लिए तैयार हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई मैथ, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का कोई संतुलित असंतुलित फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल को डालिए, उसका सलूशन करके आपको बताया जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपकी किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो बताइए, आप घर पे रहकर ऑनलाइन माध्यम से आप पूरी तरह से मस्त क्लासेस से आप तैयारी करके टॉपरों के लिस्ट में आ सकते हैं। फिर जाते जाते कहते हैं एक लाइक ज़रूर करेंगे और नए व्यूअर्स को ज़रूर जोड़ेंगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।